कि आपका भी फाउंडेशन ऐसे ही लगता है कि आप लगाने की भी कोशिश करते हैं तो वो कुछ ऐसे बन जाता है, आप चाहे उसके से जो मर्जी कर लो वो ठीक से लगता ही नहीं है। एंड आई गॉट यू, यू वॉन्ट टू नो दैट आपका फाउंडेशन बहुत थिक है, वेन एवर यू अप्लाई इट बिकम्स लाइक दिस। आई विल शो यू व्हाट यू कैन डू इट। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो ना, तो आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहले अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लेना। मॉइस्चराइजर इज मस्ट। अगर आप मॉइस्चराइजर भी लगाते हो और फिर भी आपका फाउंडेशन अच्छे से नहीं ट्राइड ऑन होता, तो सेकेंड स्टेप में अब आपने क्या करना है, हम क्या करेंगे, आपने फाउंडेशन कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लेना। ऑन द बैक ऑफ योर हैंड, ये फाउंडेशन बहुत थिक है तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड प्राइमर ऑयल्स। ये जैसे हुदा ब्यूटी का रोज ऑयल है, आप ये ले सकते हो, वन ड्रॉप इट्स मोर देन इनफ। इसको अच्छे से मिक्स कर लो, हाथ से मिक्स कर लो, जैसे दिल करता है कर लो। इसको थोड़ा सा हम स्मूथ आउट करेंगे। अब जैसे ये मेरा काशी का फाउंडेशन बहुत थिक है, वेन एवर आई अप्लाई इट लुक्स लाइक मैंने पेंट किया हुआ है। क्या करना है, कोई भी फेस ऑयल यूज कर लो, प्राइमर ऑयल यूज कर लो, एनीथिंग वट एवर यू कैन फाइंड वो आपने लेना है, इसमें मिक्स कर लेना है। जैसे ये आप हुदा ब्यूटी का जो है ये फेस ऑयल है, या आप स्किन केयर खत्म करने के बाद यूज करते हैं। तो अब आप देखो मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया, अब मैं क्या करूंगी, एक दफा सेटिंग स्प्रे इसके ऊपर करके अपने ब्रश के ऊपर, अब मैं फाउंडेशन नहीं ले रही, जस्ट आई एम ऑन द साइड उसको ब्लेंड कर रही हूँ, सॉफ्ट टू ब्लेंड। जस्ट लुक एट दिस, ये सेम वही फाउंडेशन है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। होप ये छोटी सी टिप आपके काम आई हो, अगर ये काम आई हो तो डोंट फॉरगेट टू टच द पर्सन, एंड अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।